विनी को पता चलती है कि वो किडनैप हो चुकी है। अब किनस्रू ने समझा कि आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस फोन पर चार्मी ने फोटोज भेजे थे दर्श के, वो फोन पानी पर गिरने से खराब हो जाता है। दूसरी तरफ वनदा काकी विनी के सवालों से परेशान हो जाती है, जिसके वजह से वो अपना फोन एटीएम को फोन करने के लिए विनी को देती है। वनदा काकी के फोन पर एटीएम के नंबर पहले से होगा, जिसके वजह से विनी को शक हो जाता है। जब विनी अपनी एटीएम से बात करती है, तभी उसे पता चलती है कि जो उसके साथ बात कर रही है वो उसकी एटीएम नहीं है। विनी के साथ कोई और नहीं बल्कि गुंजन बात कर रही है, ताकि विनी चुप हो जाए और आराम से वहां पर बैठ जाए। गुंजन की बातों से जब विनी को ये बात पता चलती है कि वो किडनैप हो चुकी है, तो वो वहां से बच जाने की कोशिश करने वाली होती है। वनदा काकी और गुंजन को ये बात पता नहीं चलती है कि विनी को सारे सच पता चल गया है और उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग कर रही है।